वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज की वीडियो का विषय है विश्वास की ताकत, भाव कि अपने वाहेगुरु जी के उत्ते भरोसे की ताकत। अज की वीडियो के आप गल करनी है कि जेकर साडा अपने वाहेगुरु अकाल पुरख जी के प्रति भरोसा पक्का है तो फिर औखी तो औखी घड़ी भी कद बीत गई कुछ पता नहीं चलता। जे साडा वाहेगुरु अकाल पुरख जी के उत्ते विश्वास पक्का है ना, तो वाहेगुरु जी किसी ना किसी रूप दे विच आ के साडी मदद जरूर करते हैं अते सानू उस औखी घड़ी दे विचों उस माड़े समय दे विचों बांह फड़ के बाहर कढ लैंदे आ। तो अपने वाहेगुरु अकाल पुरख जी के उत्ते भरोसा पक्का किंज होवेगा, वाहेगुरु जी की सासे उत्ते कृपा किंज होवेगी, ये सारी गलबात आपां अज दी वीडियो विच करनी आ। इस करके पूरी वीडियो अंत तक ध्यान दे नाल सुनना समझना अते सब तो पहला कमेंट बॉक्स दे विच धन गुरु नानक देव जी जरूर ते गुरु ते भरोसा रख के कह रहे हैं कि जो भी मन दे गिले शिकवे ने जो भी मन दीआं शिकायतां ने शंके ने वह सारे दूर हो जाणगे अते इह विश्वास ये भरोसा पक्का हो जाएगा कि गुरु मेरे नाल ने गुरु मेरे अंग संग आ हर वेले मैनूं देख रहे ने परख रहे ने मेरी अरदास बेनती सुन रहे ने अते मेरीआं सारीआं इशावां मेरीआं सारीआं अरदासां जरूर पूरीआं करनगे जेकर उह अरदास उह भावना मेरे लई सही ही। तो इस करके पूरी वीडियो नूं अंत तक जरूर सुनना जी। देखो जी हर इंसान की जिंदगी दे विच ना एक बार औखा वेला जरूर आता है, चाहे वह एक दिन दे लई आवे घंटे लई आवे चाहे पल दे लई क्यों ना आवे, पर एक वेला औखी घड़ी जरूर आती है जिस वेले मनुख नूं समझ नहीं लगती कि हुण की कीता जावे, क्योंकि कुछ घटनावां साडे नाल अचानक वापर जांदियां ने अते असीं जल्दी अपने आप नूं संभाल नहीं पाउंदे। उत्थे बंदा ये सोचता कि मेरे नाल हो की रहा है। बहुते मनुख अजिहे समें दे विच हिम्मत हार जांदे ने, निराश हो जांदे ने, जां फिर अपने वाहेगुरू अकाल पुरख जी दे नाल गिले शिकवे करदे ने, गुरु नानक दे पातशाह जी ते शंका करदे ने अते गुरु नानक पातशाह दा दर छड के किसी होर दर दे उत्ते जा मत्था टेकदे ने। पर जिन्हां दा अपने वाहेगुरू अकाल पुरख जी दे उत्ते भरोसा पक्का हुंदा है, अपने वाहेगुरु प्रति विश्वास पक्का हुंदा है ना, उन्हां नूं ये यकीन हुंदा है कि मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी की कृपा दे नाल सब कुछ हो रहा है, जो भी मेरे नाल चंगा माड़ा हो रहा है ना ये मेरे मालिक की मर्जी है। इस करके वह मनुख हर वेले चढ़ती कला दे विच रहिंदे ने, उन्हां नूं पता हुंदा है कि जो मेरे नाल हुण बीत रहा ना इहदे पिछे जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ भलाई ही छुपी आ, क्योंकि ये गल हमेशा याद रखियो साडे उत्ते जिन्ना वड्डा दुख हुंदा है ना भाव कि गुरु साडे उत्ते जिन्ने औखे परचे पाउंदे ने जिन्ने औखे इम्तिहान लैंदे ने उन्नी ही सानू अगली क्लास दे विच भेजदे ने, भाव कि उन्नी ही तरक्की साडी जारी हुंदी है। ते जेकर साडी जिंदगी दे विच कोई दुख आया है तां हो सकदा है वाहेगुरु अकाल पुरख जी सानू परख रहे हो, साडा भरोसा परख रहे हो कि बंदिया तू गल्लां तां बहुत करता है पर देखा तां सही इन्हां तेलां दे विच तेल किन्ना गया, भाव कि मेरे प्रति भरोसा किन्ना गया। तां इस करके कदे भी औखी सौखी घड़ी दे विच डोलना नहीं आ, क्योंकि बाणी पढ़न वालिआं दी बाँह गुरु नानक पातशाह जी दे हत्थ विच हुंदी आ, अते जो मनुख गुरबाणी पढ़दे आ ना उन्हां नूं अपने वाहेगुरू अकाल पुरख जी दे अंग संग होण दा अहसास हुंदा है, क्योंकि बाणी दे विच सानूं दसां गुरु साहिबानां दे प्रतख दर्शन हुंदे आ। इसे करके जो मनुख बाणी पढ़दे आ ना उन्हां दी ताकत भी 10 गुणा वध जांदी आ। महापुरख जी सानूं समझाउंदे होए कहिंदे आ कि चाहे जिंदगी दे विच जिन्ना मर्जी हनेरा हो जावे भाव कि हर पासे दुख रोग बीमारियां घेर लैण पर दुखां दे हनेरे दे विच आस दी किरण सिर्फ गुरबाणी है, गुरबाणी ने ही सानूं इन्हां दुखां दे विचों बाहर कढ़ना है। देखो मैं खुद दा तजर्बा दसदी हाँ कि जदों भी मेरी जिंदगी दे विच कोई भी मुश्किल घड़ी आउंदी है ना तां सारी गल उस वाहेगुरू अकाल पुरख जी दे उत्ते छड्ड देंदी आ कि वाहेगुरू जी तुसीं जाणो अते तुहाडा काम साडा काम आ तुहानूं याद करना,
बाकी फिक्र चिंतावां करना तुहाडा करना तां यकीन करके जाने उन्हें पता ही नहीं लगता कि गुरु नानक पातशाह केड़े केड़े फरिश्ते केड़ियां केड़ियां रूहां मदद दे लई भेज दिंदे ने, क्योंकि जो मनुख औखे वेले दे विच किसे दे कम आउंदा है ना उहदे विच गुरु नानक पातशाह आप वसदे ने, क्योंकि आम इंसान कदे भी भलाई का कम नहीं कर सकता, किसी का भला नहीं कर सकता, भला उही करता है जिहदे विच गुरु नानक पातशाह आप वसदे ने, नहीं तो बहुते मेरे वर्गे आम इंसान तां किले शिक्षियां दे विच ही रह जांदे ने, उन्हां नूं कुछ पता नहीं लगता कि किसी दे उत्ते कोई औखी घड़ी आई है जां सौखी, उह हमेशा अपने ही किले शिक्षियां दा राग अलापदे रहिंदे ने, पर गुरु दे लड़ लग्गिआं दी लाज गुरु नानक पातशाह आप रखदे ने, उन्हां नूं पता है कि इन्हां दी मदद मैं किस तरह करनी है किस तों करवानी है, वह सारी फिक्र गुरु नानक पातशाह जी नूं हो जाती है, तो पातशाह साडी जिंदगी दे विच अरह अजिहे फरिश्ते भेजदे ने जो साडियां दुखां तकलीफां नूं पल विच दूर कर देंदे ने, तो जो भी बाणी पढ़दे ने ना उन्हां नूं पता है कि सारे दुखां दा हल बाणी विच आ, बाणी पढ़न वाले मनुख नूं कदे भी किसे गल दी तोट नहीं आउंदी, ना ही धन पक्खों अते ना ही किसी होर चीज़ पक्खों, अते उन्हां दा मन भी हमेशा मजबूत रहता है, पातशाह उस मनुख दे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा भर के रखते ने, अते दुनियावी सुख सहूलतां दी तां गल ही कोई नहीं, बाणी पढ़न वाला मनुख कदे भी डोलदा नहीं, हिम्मत नहीं हारदा, तो बस अज तो आपां नूं जदों भी कोई माड़ा समां आवे औखी घड़ी आवे तो कदे भी गुरु दे नाल गिले शिकवे नहीं करने, गुरु दे उत्ते भरोसा पक्का करना है, अते औखी घड़ी दे विच इह पाठ वध तों वध करना है, उह पाठ है जपजी साहिब जी दा पाठ, क्योंकि जो जपजी साहिब जी की बाणी आप विचार के पढ़ते हैं ना तो यह साड़ी कई तरह की मोहताजी दूर कर देती है, साड़े मन के कई किले शिकवे डर भय दूर कर देती है, तो जपजी साहिब जी की बाणी में बड़ा ही मन ला के विचार के पढ़ना है, क्योंकि जपजी साहिब जी की बाणी प्रत्यक्ष गुरु नानक पातशाह आप ने जिस मनुख ने जपजी साहिब जी का पाठ कर लिया समझ लो गुरु नानक पातशाह जी की गलती कर लिया, समझ लो उन्हें अपना सारा दुख गुरु नानक पातशाह ने दस दिता, तो जपजी साहिब जी का पाठ करके बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि गुरु ने तुहाडी गल तुहाडी अरदास सुन ली है, हुण तुहाडी फिक्र गुरु नानक पातशाह ने, तो जो भी कितने औखा मिला आवे माड़ा समा आ जाए तो वध तो वध बाणी पढ़नी है, तो जपजी साहिब जी का पाठ जिन्ना भी किया जा सके ना उन्ना ही करना है, क्योंकि जपजी साहिब जी की बाणी ने साडे मन में मजबूत करना है, सानू दुखां नाल लड़ना सिखाउणा है, सानू दुखां दे हल दसणे हैं।